हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारे एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ट्रांसलेशन को। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स यानी कि कभी कभी मुझे गार्बेज के अंदर पैसे मिले, रुपए मिले। व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब, हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग इज क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेवरहुड। तुम ये क्यों करते हो, मैं साहब से पूछती हूँ, जो मुझे हर सुबह मेरे जो पड़ोसी हैं उनके कूड़ा फेंकने के स्थान पर वो धन मांगते हैं, गोल्ड मांगते हैं और या फिर ढूंढते हुए मिलता है। साहेब, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन द डिस्टेंट मेमोरी। और ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई भी उसके दिमाग में मेमोरी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मम्मी बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों घरों को बहा ले जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसी कारण उन्होंने अपने शहर को छोड़ दिया और शहर छोड़ने के बाद वे अब पैसों की तलाश में, धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और वह देखता है, अपनी निगाहों को बचाता है और कुछ मटर करता है और कहता है कि मेरे पास करने के को इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और अपनी निगाह को बचाते हुए बताता है, मैंने कहा गो टू स्कूल, आई से ग्लेवली रियलाइज इमिडिएटली। और मैंने तुरंत बड़ी चतुराई के साथ में कहा कि स्कूल जाया करो। और इमिडिएटली हाउ हैलो एडवाइस मस्ट साउंड। और मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मेरी ये जो सलाह है कितनी खोखली लगी होगी उसे। देखिए, गार्बेज का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे ट्रैश को रखते हैं जो कोई जरूरत की नहीं होती है, कचड़ा होता है, उसको हम गार्बेज कहते हैं। स्ट्रॉम का मतलब होता है आधी तूफान। और इसको, और ग्लीवली का मतलब होता है थॉटलेसली, मतलब बिना कुछ सोचे समझे सुपरफिशियली लेवल पे अगर आप कोई चीज कह रहे हो उसको हम कहते हैं। यानी कि अगर हम इन सारी चीजों को देखें जिसमें कि समटाइम्स आई फाउंड रुपीज इन अ गार्बेज, कि कभी कभी मुझे गार्बेज में रुपये मिले, तो इसका सेंस क्या होगा? अगर इसको समझने की कोशिश करते हो इसकी हिंदी को, तो इसका होगा तुम यह क्यों करते हो, मैं साहब से पूछती हूँ, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के जो कूड़े फेंकने की जगह होती है वहां पे वो पैसे मांगता है या फिर कुछ ढूंढते हुए मिलता है। साहब ने पहले अपना घर छोड़ दिया है, ढाका के हरे भरे जो खेत हैं उसके दिमाग में कोई भी मेमोरी नहीं है उससे रिलेटेड। और उसकी माँ उसको बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे, उनके खेतों को, घरों को बहा ले जाते थे। इसी कारण उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया और धन की तलाश में, पैसों की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां अब वह रहता है। और वो कह रहा है कि मेरे पास इसको करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो अपनी निगाह को बचाता है, बुदबुदाता है, मैंने बड़ी ही चतुराई के साथ कहा कि स्कूल जाया करो। और उसने तुरंत ये महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी उसे। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, और मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। और वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई स्कूल बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। आई विल गो इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा मजाकिया भरे अंदाज में पूछा, पूछती हूँ कि यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या आओगे। उसने कहा हाँ, यस। ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, वो बहुत ही खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। एंड अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरे पास दौड़कर आता है। और
इज स्कूल रेडी, वो कहता है कि क्या आपका जो स्कूल है वो रेडी हो गया। इट्स टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, और जो वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, और इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, और कहता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। आई से एम्बेरस से हैविंग मेड प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, और ये बहुत समय लगता है, और ऐसा वादा करके मैंने अपनी ग्लानी, मतलब अपने मेरे को खुद ही एम्बेरस फील हो रहा है कि मैंने क्या प्रॉमिस कर दिया, और मैंने उसको कहा कि इसमें बहुत समय लगता है। बट प्रॉमिस लाइक माइन आर राउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, और मैं आपको बताऊं कि किंतु मेरे जैसे वायदे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। बट प्रॉमिस लाइक माइंड अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। ब्रॉडली का मतलब होता है एकदम बिल्कुल, कोई चीज बिल्कुल अगर वो मुस्कुरा रहा है तो खुल के मुस्कुरा रहा है ब्रॉड तरीके से। और एम्बेरस्ड का मतलब होता है कि आपको पछतावा है, दुख हो रहा है कि आपने क्या कह दिया। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, और एम्बेरस्ड का मतलब होता है पुट ऑब्स्टेकल्स टू डिफिकल्ट इन अ वे टू इम्पेल, और प्रॉमिसेस का मतलब होता है एक एक्सप्रेस एश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज टू बी बेस्ड, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड रहती है, उसको हम प्रोमिसेस कहते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आप इजीली समझ पाओगे कि वो कह रहे हैं कि देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो मैंने थोड़ा जोकिंग अंदाज में कहा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। उसने कहा हाँ, और ब्रॉडली स्माइल करते हुए। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो मेरे पीछे दौड़ रहा है, और वो पूछ रहा है कि इज स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। सो मैंने काफ़ी एम्बेरस फील किया, और जो मैंने प्रॉमिस किया था जो कि मेरा पूरा करने का कोई वादा नहीं था, और इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड, जो कि पूरा करने में बहुत समय लगता है, और ऐसा वादा करने के कारण मैं ग्लानि से भरी, और कहती हूँ कि स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइंड अराउंड इन एवरी कॉर्नर इज ब्लीक वर्ल्ड, और किंतु मेरे जैसे वायदे उसके इस ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है फीके वर्ल्ड में हर कोने में भरे पड़े हैं। और आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम इज नेम, और कुछ महीने जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछती हूँ, तो वो कहता है साहिब आलम, ही अनाउंस ही डजेंट नो दैट मीन्स, और वह साहिब आलम कि जो मीनिंग है वो नहीं जानता, उसका क्या अर्थ है। और इफ ही नो इट्स मीनिंग, लॉर्ड लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट। और जब उसे उसके नाम के अर्थ का मतलब पता लग जाए, तो उसका अर्थ होता है संसार का मालिक, राइट, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और अगर वो पता लग जाए तो उसे नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। He would have hard to believing it, unaware of that his name represent his roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at the noon. और अनअवेयर मतलब कि जो बिल्कुल अनअवेयर है, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है, और नंगे पैरों वाले जो लड़के हैं उनकी फौज है उनके पास कंप्लीटली, जो सुबह एक बर्ड्स की तरह दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, और आफ्टरनून में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों से मिलते रहने के कारण उनमें से मैं हर एक को पहचानने लगी थी लगी हूँ। और वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। सो मैंने उससे पूछा कि मैं पूछती हूँ कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है आपने, तो माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन टू सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने कहा कि मेरी माँ ने उसे जो ताड़ है ना सेल्फ, जो जहाँ पे रखते हैं उससे नीचे नहीं उतारा है, उसने बहुत ही सिंपली आंसर दिया। देखिए यहाँ पे हमें तीन मीनिंग्स मिली है। पहला अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है कोई चीज़ आप बताते हो पब्लिकली ऑफिशियली, और डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, और रिकॉग्निज का मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तो अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो आप समझ पाएंगे कि महीनों जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहेब आलम, उसने ही अनाउंस, ही डजेंट नो व्हाट इट मीन्स, उसको नहीं पता था कि उसकी मीनिंग क्या है और क्या होती है। और अगर वो अपने नाम की मीनिंग जानता है तो उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि मालिक, संसार का मालिक। अगर पता लग जाए तो इस नाम पर उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि अपने नाम के अर्थ से वो अज्ञान है, अनभिज्ञ है, और अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है,
और जो नंगे पैरों वाले लड़कों की एक ऐसी फौज है जो सुबह पक्षियों की तरह दिखाई देती है और दोपहर में गायब हो जाते हैं। महीनों मिलते रहने के कारण उनमें से प्रत्येक को मैं पहचानने लगी हूँ, और उनमें से मैं एक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, तो वो सीधा उत्तर देता है कि मेरी माँ ने ताड़ से नीचे नहीं उतारा, सेल्फ से नीचे नहीं उतारा। इवन इफ सी हैड इफ शी डिड ही विल थ्रोन देम ऑफ एट्स अनदर हु वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और इस तरीके से इवन इफ आई यदि यदि मैं उसमें से देखूं कि दूसरा उसने इवन इफ आई सेड आई विल थ्रो एफ देम इट्स अनदर हु वियरिंग शूज दे नॉट मैच। दूसरा जिसने एक मतलब जो मैच नहीं कर रहा था, वे मेल जूते पहने रखे थे, वो कहता है कि वो भी उतार दो। इवन इफ ही सेड विल थ्रो ऑफ देम कि वो भी उतार दो और उसे फेंक देगा। और जब मैंने व्हेन आई कमेंट ऑन ही शफल्स हिज फीट एंड से नथिंग, जब मैंने उसके इस जो बेमेल है मतलब जो मैच नहीं कर रहे हैं उस पर मैंने कमेंट किया, तो वो अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है, से नथिंग। आई वॉन्ट शूज सेज द थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। और एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे, कहता है मुझे जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव बीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन द विलेज रोड। और मैंने गांव में और शहर की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। और इट्स नॉट अ लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशंस टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। और यह पैसों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि बहुत जगह ऐसा ट्रेडिशन है, नंगे पैर रहना परंपरा है, वह नंगे पैर रहने का कोई औचित्य सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण भी है। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टे ऑफ पॉवर्टी। और मतलब कि नंगे पैर रहने का जो औचित्य है उसको सिद्ध करने के लिए उनके पास एक स्पष्टीकरण भी, एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, राइट। और मैं हैरान हूँ कि यह सतत मतलब रहने वाली जो गरीबी है, स्टे ऑफ पॉवर्टी है, उसकी दशा को व्याख्यान करने के लिए यह बहाना नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें, तो आप देखोगे सफल का मतलब होता है चीज़ों को मूव करना, और यानी कि घसीटना एक तरीके से, और परपिचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू और कंटिन्यू विदाउट इंटरमिशन, विदाउट इंटरप्शन, मतलब बिना कुछ कहे कंटिन्यू ये काम करना, बिना किसी इंटरप्शन के काम करना, उसको हम परपेचुअल कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन इवन इफ सी सेड थ्रोन ऑफ देम, जो दूसरा था जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे, वह भी उतार देगा, वह उसे फेंक देगा। और जब मैं इसके बेमेल जूते पर कमेंट करती हूँ, तो वो पैरों को इधर उधर घसीटता है, सफल करता है और कुछ भी नहीं कहता। एक तीसरा लड़का जिसने कभी जीवन में जूते नहीं रहे, कहता है कि मुझे जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज। और देश भर में मैंने शहरों में, गांवों में, सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। ये पैसों की कमी के कारण नहीं, बल्कि नंगे रहने की एक परंपरा है, और इस नंगे पैर रहने की परंपरा का जो औचित्य है उसको सिद्ध करने के लिए उनके पास एक स्पष्टीकरण भी है, आप कह सकते हो कि। और मैं हैरान हूं कि ये जो प्रक्रिया है वो सतत बनी रहने वाली जो गरीबी है कि दशा को व्याख्यान करने के लिए एक बहाना नहीं है, राइट। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है कि जो उडीपी के एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी। और एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज प्राइस्ड। और उसने सुनाई थी कि जब वो लड़का था, तो वो स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर से गुजरता था, और जहां उसके जो पिता थे, वेयर हिज फादर वॉज प्राइस्ड मतलब कि पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज। और वह जब स्कूल जाते वक्त अपने मंदिर से गुजरता था जहां उसके पिता पुजारी थे, तो वह थोड़ी देर मंदिर में ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 साल बाद, 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in the air of desolation। और आप कह सकते हो कि 30 साल बाद मैं उस कस्बे और मंदिर गई,
जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था पिछवाड़े में, पीछे की तरफ में एकदम से, इन अ बैकयार्ड वेयर लिव्ड इन न्यू प्राइस एंड देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। और उसके पीछे में आप कह सकते हो कि जहाँ एक नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी, और कह सकते हो स्लेटी कलर के ड्रेस था, ग्रे यूनिफॉर्म था, यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग एंड द फोल्डिंग बेड। और एक स्लेटी कलर का जो ड्रेस था उसमें मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा सा लड़का वो हाफते हुए आया और अपना जो बस्ता रहता है, अपना जो बैग होता है स्कूल बैग, उसको फोल्डिंग बेड पे पटक दिया, फोल्डिंग प्लंक पर पटक दिया। लुकिंग एट अ बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेश व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। और जब लड़की की ओर देखते हुए मुझे वो प्रार्थना याद आई जो एक दूसरी लड़के ने उसी समय देवी से की थी, कि जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे तो उसने ये प्रार्थना की थी, मैं इसे कभी न खोऊं, और द गॉडेस हैड ग्रांटेड इज प्रेयर, और देवी ने उनकी जो प्रार्थना उसको स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक अ सन ऑफ क्राइस्ट नाउ वर शूज, और जो वो नौजवान लड़का था उसके पास भी अन्य लड़कों की तरह, वो कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों की तरह, अन्य से बहुत लड़के बिना जूते के रहते थे, उसने पुजारी के पुत्र की तरह ही छोटे लड़कों ने वो जो जूते थे वो पहन रखे थे, जूते पहन रखे थे, सन ऑफ क्राइस्ट नाउ वर शूज। बट मेनी ऑफ अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेवरहुड रिमेन्स शूजलेस, लेकिन परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वाले की तरह अन्य बहुत से ऐसे लड़के थे जो बिना जूतों के रहते थे। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग से, जैसे प्राइस, प्राइस का मतलब होता है पुजारी, और डिसोलेशन का मतलब होता है जब कोई चीज डिसोलेट हो जाती है, मतलब खत्म होने की कगार पर होती है, ग्रांटेड मतलब हाँ एश्योर करना, कन्फर्म करना कि हाँ ये चीज है, आप ग्रांट कर रहे हो, है ना। तो अगर हम इस चीज को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ जाओगे कि मुझे एक कहानी याद आती है जो एक उड़ीपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी, कि जब वो लड़का था तब वो स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था जहाँ पे उसके पिता एक पुजारी थे। थोड़ी देर वो मंदिर में ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 साल बाद उसके कस्बे और मंदिर गई, जो अब कह सकते हो उजाड़ के प्रभाव में डूबा था, और पीछे में एक नया पुजारी जहाँ रहता था उसने लाल और सफेद प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी, और स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का ड्रेस और मोजे में जूते पहने हुए एक छोटा सा लड़का हाफता हुआ आया और अपना जो बैग होता है स्कूल बैग उसने फोल्डिंग पर पटक दिया। और लड़के ने देखते हुए मुझे वो प्रार्थना याद आई, रिमेम्बर दैट प्रेड अनदर बॉडी हैड मेट गॉडेश व्हेन फाइनली गॉट द पेयर ऑफ शूज, कि जब उसे वो जूते मिल गए थे उस समय देवी से, उसने एक जोड़े जूते मिल गए थे, तो उसने ये प्रार्थना की कि मैं इन्हें कभी न खोऊं, और देवी ने उनकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर लिया था, ग्रांट कर लिया था। जो यंग बॉयज लाइक और जो छोटा लड़का था, अब वो पुजारी का जो लड़का था उसी की तरह उसने जूते पहन रखे थे, परंतु मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट बिनने वाले बच्चे हैं, बिनने वाले की तरह अन्य जो बच्चे हैं उन लड़कों से बिना जूते के वो रहते हैं। सो माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। नंगे पांव कूड़ा करकट बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमा पार ले जाता है, सीमापुरी ले जाता है, जो कि एक स्थान जो दिल्ली की बाउंड्री पे है, पेरिफेरली ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम मेटाफोरिकली। और लेकिन आप अगर देखें मेटाफोरिकली वो, या फिर अन्य प्रकार से, दिल्ली से मीलों दूर है, और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो दोज हु लिव्स आर स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, साहेब फैमिली इज अमंग ऑफ देम।
और मैं आपको बताऊं कि यहाँ रहने वाले जो गैर कानूनी बंदी हैं, बंदी से हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे, अ फैमिली अलोंग देम। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। और मैं आपको बताऊं कि सीमापुरी उस समय एक बीहड़ था, और इट्स स्टील इज बट नो लॉन्गर एम्प्टी। ये अभी भी है परंतु अब खाली नहीं है। और इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन्स टर्पलीन डिवाइड द स्वेज ड्रेनेज एंड द रनिंग वाटर लिव्स 10,000 राइस पिकर्स। और एक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें यहाँ पे तो तीन तिरपाल और नालियां नहीं है वहां पे, जल आपूर्ति वहां पे नहीं है, कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, और वे 30 साल से भी ज्यादा समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे हैं। दे हैव बीन लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड्स, एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई गेन फूड इज अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। और मैं आपको बताऊं कि वे 30 साल से भी ज्यादा समय से बिना पहचान के, बिना परमिट के रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड हैं, और जिनमें से उनके नाम मतदाता सूची में शामिल भी हो जाते हैं, जिनसे वे अनाज भी खरीद पाते हैं। जीने के लिए पहचान से ज्यादा भोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी। तो अगर हम रैग पिकर्स के बारे में समझें तो रैग पिकर्स वो होते हैं, कूड़ा बीनने वालों को कहा जाता है, अ पर्सन हु पिक्स अप रैग्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल। और डिवाइड का मतलब होता है स्ट्रिप, मतलब सेम क्वालिटी का जो सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं। और सर्वाइवल का मतलब होता है, एक कहते हैं ना अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, एक ऐसी एक्टिविटी या फैक्ट ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि सर्वाइवल का मतलब होता है सर्वाइवल का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जीने के लिए, जीने के लिए उसको हम कहते हैं सर्वाइवल। अगर हम इन सारी चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंगे पांव जो कूड़ा बीनने वाले वालों से परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, एक स्थान जो दिल्ली के बॉर्डर पे है, और लेकिन आप कह सकते हो मेटाफोरिकली अन्य से दिल्ली से मीलों दूर है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो गैर कानूनी बंदिशें हैं। 1971 में बांग्लादेश से आए थे, और साहेब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी उस समय बीहड़ थी परंतु अभी भी है, लेकिन ये खाली नहीं है। यहाँ पे टीन है, तिरपाल है, नाली नहीं है वहाँ पे, नाली विहीन है वो, जल आपूर्ति नहीं है वहाँ पे, और कच्चे घरों के 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले रहते हैं, और 30 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, और वे लोग बिना किसी पहचान के, बिना परमिट के रह रहे हैं, किंतु तो उनके पास राशन कार्ड हैं जिनसे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं, और इसके साथ ही वे अनाज खरीद पाते हैं। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा जो उनका भोजन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें, इफ द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, वी वुड रैदर टू लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से टू ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज वेयर आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। अगर हम दिन के अंत में अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। और ऐसी ही फटी हुई जो साड़ियाँ होती है, वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, जो फटी हुई साड़ियाँ हैं उनको पहने महिलाओं का एक समूह कहता है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, सो वेयर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट्स होम। और तो वो कहती हैं उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है वे वहीं अपना जो तंबू है वो गाड़ लेते हैं।
चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम बिकमिंग अ पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं और वे इनके जो अस्तित्व हैं उनके पार्टनर्स बनते हैं और साझेदार बनते हैं। और एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स राइट पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब होता है कचड़ा बीनना। और थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। और मैं आपको बताऊं कि वर्षों की अवधि में, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब रैग पिकिंग है, यानी कि कूड़ा बीनना है, और वर्षों की अवधि में इसे एक ललित कला का रूप ले लिया। प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कूड़ा उनके लिए सोना है, धन है, संपत्ति है। इट्स देयर डेली ब्रीड और रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ दे लीकिंग रूफ। और आपको बताऊं मैं कि उनकी यह रोजी की रोटी है, उनके सिरों पर छत है, भले वो 1 साल से टपकती हुई छत क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए छत इससे कहीं ज्यादा है, बट फॉर चाइल्ड इट्स इवन मोर, उनसे कहीं ज्यादा है। देखिए ट्रांजिट का मतलब होता है जहां गए वहीं अपना तंबू गाड़ लिया, तो ट्रांजिट उसको हम कहते हैं। और ब्रीड का मतलब होता है जिसमें हम मील जो होता है उसको हम कहते हैं, राइट। डेली ब्रीड जो रहती है, रूफ मिक्स रहता है मिल्क वाटर, उसको हम ब्रीड कहते हैं। अब हम इन सारी चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाओगे कि यदि हम अपने परिवार को बिना अपने परिवार को भोजन करा पाते हैं, फीड करा पाते हैं बिना पेट दर्द के, तो वी शुड रैदर लिव इन ग्रीन फील्ड्स नो ग्रेन, तो हम यहाँ पे रह सकते हैं। और अगर हम दिन के अंत तक अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। और ऐसी ही आप कह सकते हो कि फटी हुई जो एम साड़ी पहने महिलाओं का एक समूह है जो कहता है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों छोड़ दिया अपने उन खेत हरे भरे खेतों को, तो वो कहती हैं कि देश को क्यों छोड़ दिया, तो कहती हैं उन्हें जहाँ भोजन मिल जाता है वहीं अपना तंबू गाड़ लेते हैं और वे उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं और उनके अस्तित्व में साझेदार बनते हैं। और सीमापुरी में जो उत्तर जीविता का जो अर्थ होता है ना, उसका मतलब है कूड़ा बीनना। वर्षों के सालों में एक इन्होंने एक ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना, धन, संपत्ति है, उनकी रोजी की रोटी है, उनके सिरों पर छत भले ही है, एक टपकती हुई छत क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए ये कहीं उससे ज्यादा है। और आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। और साहेब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहां तक कि 10 रुपए का नोट भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। और वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज अ होप इज फाइंडिंग मोर। साहब कहता है, उसकी आंखें चमक उठती है, जब कोने में आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा पाने की आशा रहती है। और इट सीम्स फॉर द चिल्ड्रेन गार्बेज हैज मीनिंग अ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट्स मीन टू देयर पेरेंट्स। और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ है कूड़ा होता है वो उससे अलग होता है। और बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज होती है, तो बड़े बूढ़ों के लिए एक कूड़ा जीने का साधन। फॉर अ चिल्ड्रेन इज रैप्ट टू वंडर एंड एल्डर्स टू मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए लगता है कि यार ये क्या है, इस चीज में क्या लिपटा हो सकता है, तो जो बड़े होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उन लोगों के लिए जो कूड़ा है वो जिंदा रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक आप कह सकते हो कि सर्दी की रात, सर्दी की एक सुबह साहेब के पास के क्लब के बाड़ लगे हुए दरवाजे के नजदीक में खड़ी होकर देखती हूँ। आई सी ए साहेब स्टैंडिंग अ फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन अ वाइट एंड प्लेइंग टेनिस। मैंने यहाँ पे देखा कि क्लब के बाड़ में लगे दरवाजे के नजदीक खड़े हुए देखती हूँ, जहाँ एक सफेद आदमी एक ड्रेस पहने हुए दो युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यान पूर्वक देख रहा है। और स्क्राउजिंग का मतलब होता है ढूंढना, सर्वाइवल का मतलब होता है यार जीवन जीने के लिए जो चीज होती है उसको हम सर्वाइवल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
तो वो बता रहा है कि कभी कभी मुझे रुपए मिल जाते हैं, कभी कभी 10 रुपए के नोट, साहब कहता है। और उसकी आंखें चमक उठती हैं। और व्हेन यू कैन फाइंड, जब सिल्वर का नोट मिलता है, चांदी का सिक्का मिलता है, तो जो गार्बेज है वो, और उसको रुकते नहीं है, क्योंकि उनको आशा रहती है खोदने के बाद में कि और हमें मिल सकता है। तो बच्चों के लिए ये एक डिफरेंट मीनिंग है, बड़ों के लिए इसका मतलब है सर्वाइवल, चिल्ड्रेंस के लिए ये है कि यार इसमें से कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें होने वाली हैं, कुछ नया निकलने वाला है, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए सर्वाइवल है। और एक एक सर्दी की सुबह, एक सुबह मैं एक साहब के पास के क्लब के बाड़े में लगे दरवाजे के नज़दीक खड़ी होती देखती हूँ, जहाँ सफ़ेद आदमी 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है और कह रहा है कि मुझे खेल पसंद है। ही ह्यूम्स, मतलब वो गुनगुनाता है, कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह उसी फेंस के पीछे खड़ा होकर देखना ही उसके लिए संतुष्टि है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन अराउंड, ही एडमिट्स। और वह जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वो इस चीज़ को देखता है, उस चीज़ को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज एंड लुक स्ट्रेंज ओवर द डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब अभी भी टेनिस जूते पहने हुए हैं, और जो उसके गंदे कमीज और जो निकर है उस पर अजीब विचित्र सा लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज, अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और स्पष्ट रूप से वह कहता है कि किसी और ने मुझे ये जूते दिए हैं, और वास्तव में किसी धनी लड़के ने उसे बेकार समझ कर फेंक दिया होगा। ही सेज मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, इन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ द होल इन द वन ऑफ देम बट डजेंट बॉदर हिम। और वो कहता है कि किसी ने मुझे जूते दिए हैं, वास्तव में किसी धनी लड़के ने उसे बेकार समझ कर फेंक दिया, जिसने उस उनको पहनने से मना कर दिया था क्योंकि जूते में एक छेद हो गया था, राइट। और इनफैक्ट डिस्कार्ड द शूज वर रिच बॉय, और इन वन हु वॉक बेयर फुट इवन शूज विथ होल अ ड्रीम कम्स ट्रू बट गेम्स इज वॉचिंग इंटेंटली आउट ऑफ द रिच। और क्योंकि साहब को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि नंगे पैर चलता चलता रहा हो, और एक छेद वाले जूते ने उसके स्वप्न को साकार कर दिया, लेकिन वो खेल को इतनी सावधानी से देख रहा था, यह समझ से परे था। देखिए, कंटेंट का मतलब होता है टॉपिक्स, कोई बुक्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से आप जिन चीज़ों को, ये हमारे लिए कंटेंट है, आप ऐसा समझो, और आपके लिए आपके चैप्टर का पार्ट हो सकता है, सेकंड चैप्टर का। और देखिए, जब भी मैं कोई आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो आपको क्या करना, अपने साथ बुक रखना, उससे और चीज़ें आप देखोगे समझ आ रही है, और कुछ मीनिंग्स आपको नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, उसके मीनिंग्स भी लिखना है, साथ साथ में पेंसिल रखिए, हाइलाइटर रखिए, उससे चीज़ें आपको इजीली समझ आएगी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, और इंटेंटली का मतलब होता है अनयूजुअली, राइट। इंटेंटली का मतलब होता है फॉर्मली होता है, जिससे कि हम हमारा इंटेंशन होता है और फिक्स्ड होता है, वो उसको हम कहते हैं। अब इन चीज़ों को देखें, वो बुदबुदाता कहता है कि मुझे गेम पसंद है, और उस फेंस से बाहर खड़े होकर के देखता है। वो कहता है कि जब कोई नहीं होगा आसपास तो मैं जाऊंगा जाता हूँ, और गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। और साहब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं, जो कि उसके लिए स्ट्रेंज है, क्योंकि उसके शर्ट की कलर अजीब सी डिसकलर्ड हो चुकी है। और समन वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन के मैनर में कहता है कि किसी ने दिए हैं उसे, इनफैक्ट डिस्कार्डेड शूज को किसी ने मना कर दिया, किसी अमीर बच्चे ने परहैप्स रिफ्यूज कर दिया वो पहनने से, क्योंकि उसके अंदर एक होल है जो उसके लिए बॉदर नहीं करती, क्योंकि वो नंगे पांव चलता था। तो इवन सूज अ होल ड्रीम कम्स ट्रू, एक होल के बावजूद भी उसके लिए सूज एक ड्रीम की तरह है। बट गेम इज वॉचिंग इंटेंटली इज आउट ऑफ रिच, लेकिन जो गेम जिस तरीके से देख रहा था, बिल्कुल सावधानी से, उसकी समझ से वो परे था, राइट। अब देखिए, बूथ का जो मतलब होता है ना, वो केंद्र होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। मिल्क बूथ का मतलब जहाँ पे दूध की दुकान होती है उसको हम कहते हैं। आज सुबह, दिस मॉर्निंग, साहेब इज ऑन अ वे टू मिल्क बूथ। साहेब दूध की दुकान पर जा रहा था, और उसके हाथ में स्टील का कनस्टर था, इन अ हैंड इन स्टील कनस्टर। कनस्टर का मतलब होता है जिसमें हम, आपने देखा होगा, दूध वूध को रखते हैं उसको। नाउ आई
I now walk in a teal style down a road, he says, pointing in the distance. और दूर से संकेत करते हुए, पॉइंट करते हुए वो कहता है कि वो सड़क दूर अब एक चाय की दुकान पर काम करता है. एंड नाउ पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मील्स, और मुझे खाना और 800 रुपये मिलते हैं. डज ही लाइक अ जॉब, आई आस्क. मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, तो वो कहा कि मैंने देखा कि उसके चेहरे से जो बेफिक्री थी वो गायब हो गई थी. इस फेस आई सी द लॉस्ट केयर फ्री लुक. और स्टील का जो कनस्टर था वो कहीं उसे भारी लग रहा था. स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स. ही वुड कैरी इट स्लो सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. द बैग वॉज हिज कनस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. और मैंने देखा कि उसके चेहरे से जो बेफिक्री थी वो गायब हो गई थी, क्योंकि जो स्टील का कनस्टर था वो अधिक उसे भारी लग रहा था. प्लास्टिक की उस थैली की अपेक्षा जो उसे अब कंधे पर आसानी से रखकर ले जाएगा, अब वो थैला उसका था, कनस्तर उस दुकानदार का था जिसका दूध था, दूध की दुकान का था. अब साहिब अब वो अपना मालिक नहीं रह गया. द कनस्टर बिलोंग्स टू ऑन टी शॉप. साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर. साहिब जो है अब वो अपना मास्टर नहीं रह गया. देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ और चीज़ों को बताऊँ आप, तो यहाँ पे तीन कनेक्शन का मतलब पता है, एक फिक्स्ड चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को रखते हैं, जैसे दूध का कनेक्शन आपने देखा होगा. कैरी का मतलब होता है ले जाना, और बिलोंग का मतलब होता है जिसको ये चीज़ प्रॉपर जिसकी है, वो प्रॉपरली जिसकी है उसको हम कहते हैं बिलोंग्स. देखिए कहते हैं ना ये चीज़ आपको बिलोंग करती है ना, ये घर आपको बिलोंग करता है, तो ये इसको हम कहते हैं, है ना. तो अगर हम इन चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें, तो इस पार्ट में हम ये समझ पाएंगे कि इस मॉर्निंग साहब को मैंने मिल्क बूथ पर देखा, दूध की दुकान जहाँ पे थे, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्टर था, और वो चाय की वो पॉइंट करते हुए कहता है दूर से कि अब मैं इस चाय की दुकान पे काम कर रहा हूँ, मुझे 800 रुपये और मुझे खाना मिलता है. मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, उसके फेस से वो बेफिक्री गायब हो गई. तो उसने कहा कि कनस्टर स्टील का जो कनस्टर है वो थोड़ा हैवियर है प्लास्टिक बैग से, जिसको कैरी कर रहा है, उसने लाइटली कैरी कर रखा था अपने शोल्डर पे. द बैग वॉज इज बैग उसका ही था. कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कनस्टर था वो दूसरे आदमी का था जिसकी टी शॉप थी, चाय की दुकान थी. अब साहिब जो है वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है. अब हम आगे देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. और यहाँ पे अगर इस चीज में देखें इस पार्ट में, तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश स्वयं अपना मालिक बनना चाहता है. वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस. वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. मैंने पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इन टू द माई आईज. उसने मेरी सीधी आंखों में देखते हुए उत्तर देता हुआ कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. ही ड्रीम्स लुक्स लाइक अ मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स एंड फिल इज ऑन टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. और सीधे मेरी आंखों में देखता है, कहता है कि मैं कार चलाना सीख चूंगा. फिरोजाबाद की कस्बे जो गलियां हैं वो धूल से भरी हैं, और उनमें एक सपना है, प्रकाश जो है वो एक भ्रम के समान दिखाई देता है. और जो फिरोजाबाद है इज अ फेमस फॉर बेंगल्स, और फिरोजाबाद बेंगल्स के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड टू मेकिंग बेंगल्स. हर दूसरी फैमिली, हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है. और इट्स अ सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वॉकिंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड ऑफ इट सीम्स. और ये आप कह सकते हो कि यह भारत में जो कांच को आकार देने का एक उद्योग है, जहाँ लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी भट्टियों पर काम करते हुए कांच को जोड़ते हुए लगी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश की औरतों के लिए ये लोग चूड़ियां बनाने में लगे हुए हैं.
अनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली आप किसी चीज़ को जब आप बोलते हो उसको हम अनाउंसमेंट कहते हैं, पब्लिकली ऑफिशियली जब आप कहते हो। और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे बिल्कुल, और इंगेज का मतलब होता है उसमें लगे रहना, राइट। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप समझ पाओगे कि ये जो है उसमें लिखा हुआ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, और मुकेश अपना मास्टर बनना चाहता है। उसने अनाउंस किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, जानते हो? तो उसने कहा कि मैं, उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लाइक अ मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट एंड फुलफिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और मैं आपको बताऊं कि उसका जो सपना है वो फिरोजाबाद, उसका जो सपना है वो एक मिराज की तरह दिख रहा है, क्योंकि जो डस्ट दिख रही है स्ट्रीट पे, ये जो फिरोजाबाद है ये बेंगल्स के लिए फेमस है, और हर दूसरी फैमिली यहाँ पे इंगेज्ड है बेंगल्स बनाने में। और ये सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लूमिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे कांचों को आकार दिया जाता है, और वेयर फैमिली स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, और जनरेशन दर जनरेशन भट्टियों पर काम करते हुए कांच को जोड़ते हुए लगी रहती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश की औरतों के लिए ये लोग चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। एंड मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। उनको कोई नहीं जानता था, नन ऑफ देम नो दैट द इलीगल फॉर चिल्ड्रेंस लाइक हिम टू वर्क ग्लास फर्नेसेस विथ इज हाई टेम्परेचर इन द डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट्स अ लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उस जैसे बच्चों के लिए जो हाई टेम्परेचर पर कांच की भट्टियों में काम करें बिना हवा के, बिना लाइट के, अंधेरी नीरस जो कोठरियां हैं उनमें काम करना ये अवैधानिक है। यदि कानून लागू किया जाए तो मुकेश और 20,000 बच्चों को, जहां गर्म भट्टियों से वे अपना दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी जो आंखों की चमक है, जो ब्राइटनेस है, उसको खो देते हैं। और मुकेश आईज बीम एज अ वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम विच प्राउडली सेज बींग रीबिल्ट। मुकेश जो है वो जैसे ही मुकेश स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले गया, उसकी आंखें जो है वो प्रसन्नता से चमकने लगी, विच प्राउडली बींग रीबिल्ट। वी वॉक डाउन स्ट्रिकिंग लैंड्स चॉक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम्स देन रिमेन्स होवल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स वोगली डोर्स नो विंडो क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग द प्राइवल स्टेट। और हम दुगंध देने वाली जो गलियां हैं जहां पे कूड़ा करकट से रुकी हुई थी से नीचे गए, हम ऐसे मकानों से जिनके गुजरे जहां पे दीवारें टूटी हुई थी, वहां आदिम स्थिति के समान आदमी और पशु साथ साथ रह रहे थे। नो क्राउडेड फैमिली ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट प्राइमल स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन मीनिंग्स आपको दिख रही होंगी। एक है फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है जहां पे हीट होती है, भट्टी जिसको कहते हैं ना उसको हम कहते हैं फर्नेस। स्लॉग का मतलब होता है ड्राइव विथ ब्लो, हवा के साथ। और क्रम्बलिंग का मतलब होता है क्रम्स, राइट, उसको हम कहते हैं कि मतलब वो नीचे जाते हैं रेंगते हुए, वहां पे देखते हैं ना कोई खिड़कियां, टूटी हुई सड़कें जहां पे आदमी जानवर लग रहा है एक ही साथ रह रहे हो। तो अगर हम इस पैसेज को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि मुकेश की फैमिली उनमें से एक थी। कोई भी ये नहीं जानता था कि बच्चों को इस तरीके से काम कराना एक इलीगल है, जहाँ पे भट्टियों में हाई टेम्परेचर पे इतने हाई लाइट पे काम कराना बिना एयर और लाइट के, ये लॉ अगर इन्फोर्स कर दिया जाएगा तो मुकेश और उसके जैसे और 20,000 जो बच्चे हैं वो जो फर्नेस जो हैं उनकी जो डे लाइट आवर्स हैं वो अपनी ब्राइटनेस को खो रहे हैं। ब्राइटनेस इज देयर आईज। और मुकेश की जो आई बीम्स हैं उसने
बिल्कुल वो अपने घर ले गया, वो प्राउडली बोल रहा था कि इसे रिबिल्ड कर लेंगे। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग चॉक्ड, हम वहाँ से गुजरे और जहाँ पे और ऐसे मकानों से गुजरे जिनकी दीवारें टूटी हुई थी, आदिम स्थिति थी वहाँ पे, एक समान आदमी और पशु एक साथ रह रहे थे, और मुकेश का भी ऐसे ही मकानों में से था। ही स्टॉप एट द डोर वन सच अ हाउस, बैंक्स ऑफ बोबी आयरन डोर विथ हिज फ्यू फुट एंड पुश इट ओपन। और मुकेश ऐसे ही मकान के सामने रुका और उसने अपने पैरों को आगे पीछे डगमगाने वाले लोहे के दरवाजों को जोर जोर शोर के साथ में खोला, और हमने एक वी एंटर हाफ बिल्ड सेक, हमने एक आधी बनी हुई जो सेक थी उसमें हमने प्रवेश किया, कुटी में प्रवेश किया। उस मकान का एक भाग फूस का छप्पर पड़ा था। इन द पार्ट ऑफ टैच्ड विथ ग्रीड ग्रास एंड फायरवुड स्टोव ओवर विच सीट्स लार्ज वेसल सीजलिंग स्पाइंच लीव्स। और जैसे ही हम उसके अंदर गए तो हमने देखा कि मकान के एक भाग में जो फूस होता है ना, उसका एक छप्पर पड़ा हुआ था, और उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा था जिसमें लकड़ियां जलाई जाती थी, और उस चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में पालक के पत्ते उबल रहे थे। स्पाइंच मतलब पालक होता है, वेसल सीजलिंग लीव्स, पालक के पत्ते उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और ग्राउंड पर जो एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी जो तस्तरियां थी उसमें कटी हुई कुछ सब्जियां रखी हुई थी, और अ फ्रेल यंग वुमेन कुकिंग इवनिंग मील फॉर होल फैमिली। और एक कमजोर सी पतली सी यंग औरत पूरे परिवार के लिए जो शाम का खाना होता है उसको बना रही थी, उसको पका रही थी। उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक ही स्माइल्स, और फिर भी वो मुस्कुराई। और सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के जो एल्डर ब्रदर हैं, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, उसकी जो एज थी वो ज्यादा नहीं थी, नॉट मच ऑल्डर इन ईयर्स। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, ऑलरेडी चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर्स। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वह 3 आदमियों की देखभाल करती थी, एक तो उसका पति, एक मुकेश और एक उसका पिता। जब वह आगे में अगर हम देखेंगे इस स्टोरी को, उससे पहले हम जो चीजें, स्पिंच का मतलब होता है पालक, और चॉप्ड का मतलब होता है कटा हुआ, मील का मतलब होता है भोजन। अगर हम देखें इन चीजों को और समझने की कोशिश करें तो आप इजली समझ पाओगे कि वो एक ऐसे दरवाजे पर रुकता है जहां पे एक बोबली आयरन डोर है, और अपने पैरों को आगे पीछे करता है, और फिर आधी बनी हुई जो झोपड़ी होती है उसके अंदर हम लोग जाते हैं। एक पार्ट में वहां पे फूस फूस रखी हुई है, ड्रेड ड्रास रखी हुई है, और एक में स्टोव तेजी से जल रहा है और जिसपे पालक के पत्ते उबल रहे हैं एक बर्तन में। ग्राउंड की बात करें तो एल्यूमिनियम के प्लेटर्स पड़े हुए हैं जिसपे सब्जियां कटी हुई हैं। एक एक फ्रेल यंग वुमेन, एक पतली दुबली सी वुमेन जो कि शाम के का खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए, उसकी आंखों में धुआं है लेकिन वो स्माइल कर रही है, और वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। एज में ज्यादा बड़े नहीं है बट ही कमांड टू रिस्पेक्ट एज अ बहू, और डॉटर इन लॉ हाउस ऑलरेडी चार्ज ऑफ 3 मैन, जो कि 3 लोगों का देखभाल देख रेख कर रही है, उसका हस्बैंड मुकेश और उसके पिता, मुकेश और उसके पति और उसके पिता का देखभाल कर रही है, राइट। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर द जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स एंड ब्रिंग्स वेल क्लोजर हर फेस। और जब बड़ा आदमी कोई घर में एंटर करता है, वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है, और एज अ कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस विथ मेल एल्डर्स। वो अपने जो चेहरा है उसको घूंघट से ढक लेती है। एज इन केस द एल्डर इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर्स, और ये अब बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये रिवाज चला आ रहा है, बहू अपने पुरुषों के सामने चेहरे को ढक लेती है,
Despite long years hard labor, forced trailers of Bengal makers, he failed to renovate the house, send his two sons to schools. और मैं आपको बताऊं कि वो ऐसा रिवाज चला आता है कि बहू अपने पुरुषों के सामने ढक लेती है, और इस प्रकरण में एक बड़ा पुरुष एक गरीब चूड़ी बेचने वाला था, और जो बहुत परिश्रम करने के बाद भी, पहले वो दर्जी था, चूड़ियाँ बनाने लगा और अपने मकान को रिनोवेट करने में असफल रहा, और अपने दोनों पुत्रों को जो स्कूल है उनको नहीं भेजा जा सका, एंड ऑल द मैनेज टू टीच व्हाट नोज इन आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. वो अपने दोनों पुत्रों को स्कूल नहीं भेज सका, चूड़ियाँ बनाने की कला वो जानता था, वो अपने बच्चों को सिखाने में कामयाब हुआ. तो ब्रिंग का मतलब होता है दाना, वाइल का मतलब होता है लाइफ ऑफ नन, और जो सन्यासिनी का जीवन होता है, और रिनोवेट का मतलब होता है उसको आर्टिक करना, इन सारी चीज़ों को. तो आप देखें अगर यहाँ पे, तो आप देख पाओगे कि जैसे ही बड़े लोग एंटर करते हैं घर के अंदर, तो घर में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे टूटी हुई दीवार के वो पीछे चली जाती है, अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती है, जैसा कि रिवाज चला आता है कि बहू अपने जो बड़े पुरुष के सामने घूंघट को ढक लेती है. और इस प्रकरण में एक बड़ा पुरुष एक गरीब चूड़ी बेचने वाला, वर्षों परिश्रम करने के बाद भी, वो पहले दर्जी था फिर चूड़ी बनाने लगा, लेकिन अपने मकान का रिनोवेट नहीं करा सका, वो असफल रहा. वह अपने दोनों पुत्रों को स्कूल नहीं भेज सका, चूड़ियाँ बनाने की कला जो वह जानता था उसी कला से वह अपने बच्चों को सिखाने में कामयाब हुआ. आर्ट ऑफ द मेकिंग बैंगल्स. इट इज अ कर्म, इट इज अ कर्म, इट्स अ डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. और ये चूड़ियाँ बनाने की कला जो वह जानता था, और उसी कला को अपने बच्चों को सिखाने में वो कामयाब हुआ. और इट्स अ कर्म, और यह इसी का कारण है, इसका कारण है कर्म, उसका भाग्य है. और मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट एंड पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. मुकेश की दादी कहती हैं कि जिसने चूड़ियों की कांच की पॉलिश की, उन्होंने अपने इस गर्त से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स. कैन अ गुड गिवन लिनेज इवन अ ब्रोकन सी इम्प्लाइज. तो उन्होंने कहा, क्या कभी जो ईश्वर ने जो ये परंपरा दी है, वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव बीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड इन ए स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद. मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जिस जाति में ये लोग पैदा हुए, इसका मतलब चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा, घर में, आंगन में, दूसरे घर में, दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन्स, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर बोर्न ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाइ माउंटेन इन अनकैम्प्ड यार्ड आर द पाइल्ड फ्रॉम फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस फॉर द सैंटी टाउन्स. मैं आपको बताऊं कि मालाओं के रूप में चूड़ियों के जो गुच्छे हैं उसमें बंडल गोल्डन कलर, सुनहरी सी, धूपी सी, धान जैसी हरी, गहरी चमकीली, नीली, बैंगनी, गुलाबी, जो इंद्रधनुष होता है ना रेनबो, उसके सात रंगों से बनने वाले हर रंग अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती है, तथा इसके अलावा जो ये फोर व्हील्स हैं ना, चार पहियों वाली जो हथगाड़ियां हैं उस पर लाद कर जो जवान आदमी है, आदमी झोपड़ियों से, कस्बों की तंग गलियों से होकर धकेलते हैं, और ये जो सेंटी टाउन है इसमें से वो तंग गलियों से वो धकेलते हैं. और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ मीनिंग से, पॉलिशिंग का मतलब होता है पॉलिश करना, चमकाना. स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, जो बैंगल्स का कंप्लीट एक बंडल होता है उसको हम कहते हैं. और पैडी का मतलब होता है धान, राइस की फील्ड होती है उसको हम कहते हैं. और अगर हम इन चीज़ों को देखें कि वो एक कर्मा है, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं, दादी कहती हैं
कि इन्होंने देखा है अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए इस डस्ट से, जो ग्लास बेंगल्स के डस्ट से। क्या हम क्या कोई तोड़ नहीं सकता? हम इस कास्ट में पैदा हुए बेंगल्स मेकर्स की, तो नथिंग बट बेंगल्स। इन्होंने इस जाति में पैदा होकर के केवल और केवल बेंगल्स देखे हैं अपने घर में, बाहर, घर के आसपास, इवन कि फिरोजाबाद की स्ट्रीट में भी। जो बेंगल्स का स्पाइरल से, इसमें गोल्ड है, ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, हर कलर जो 7 कलर है ना रेनबो के, उसी में दिखते हैं इन अमाउंट्स ऑफ अनकैप्ड यार्ड्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोग हैं, मैन हैं, वो एक पतली सी लैंड में भी, सेंटी टाउन में भी, हैंड जो हाथ से बने हुए जो हाथ गाड़ियां होती हैं 4 पहियों वाली, उस पर लाद कर जवान आदमी तंग गलियों से होकर धकेलते हैं इन सारी चीजों को। और एंड द डार्क हट मेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन फ्लेम्स ऑफ फ्लिकर्स ऑयल लैम्प्स सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद द फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू द सर्कल बैंगल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते हुए तेल के दीपक की लौ जो होती है, उसकी पंक्तियां जो रहती हैं, उसके आगे लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ जो रंगीन जो कांच के टुकड़े हैं ना, उन चूड़ियों को वृत्ताकार घेरे में जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। देयर आईज आर मोस्ट एडजस्ट टू डार्क देन लाइट आउटसाइड। उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल अंधेरा जो रहता है ना, उनकी जो आंखें हैं, जो लड़कियां हैं, उनका एक गोले में, मतलब एक सर्कल टाइप में घेरे जोड़कर बैठे रहते हैं। उनकी आंखें लाइट के बाहर की अपेक्षा अंदर ज्यादा वो एडजस्टेबल है, क्योंकि वो अंधेरे में ज्यादा काम कर रहे हैं। दैट्स वाई दे ऑफ्टन टू एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स बिफोर बिकेम एडल्ट। और वो एडल्ट होने से पहले वो अपनी जो आई साइट है उसको खो बैठते हैं, उसको वो खो देते हैं। और सविता यंग गर्ल अ डार्क पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड द एल्डर वुमेन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एंड हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक अ टंग ऑफ अ मशीन एंड आई वंडर इफ सी नो द सेंसिटी एंड बैंगल सी हेल्प मैन। और उसके हाथ किसी मशीन में चिमटे की भांति, बिल्कुल जैसे लग रहा है ना कि मशीनरी चल रही है, वैसे चलते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें वह मनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइज्ड इन द इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियस इन अ मैरिज इट विल ड्राउन ऑन सडनली वन डे हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल एंड हैंड डाइड रेड विथ हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन टू हर रिस्ट। और इस मैं सोचती हूँ कि क्या ये इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिसे वो बनाने में मदद कर रही है। ये भारतीय जो स्त्रियां होती हैं ना, उनके सुहाग का प्रतीक है। यह बात उस दिन अचानक उसे समझ में आएगी जिस दिन लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और उसके कलाइयों में चूड़ियां पहना दी जाएंगी। सी विल बिकम अ ब्राइड और वो दुल्हन बन जाएगी। देखिए यहाँ पे फ्लेम्स का मतलब होता है आग, ड्रैब का मतलब होता है डल एकदम, जिसका कलर उड़ गया हो, ऐसे पिंक ड्रेस पहनी हुई है, और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हा, दुल्हा, और ये दुल्हन होता है इसका मतलब। अगर हम देखें इन सारी चीजों को तो आप समझ पाओगे कि एक अंधेरे से उसमें, जहां पे आप देखोगे कि अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते हुए तेल के दीपक की लौ, पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के जो टुकड़े होते हैं उनको कलर्ड सर्कल्ड बेंगल्स बना रहे हैं, बिल्कुल सर्कल वे में बैठ करके। और उनकी आंखें जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसके बाहर की अपेक्षा अंधेरे में ज्यादा एडजस्टेबल है, और यही कारण हुए हैं कि वो एडल्ट होने से पहले अपनी आई साइट को खो रहे हैं। सविता उन यंग लड़कियों में से है जिसने एक भद्दी सी, जिसका डल सा कलर हो गया है, उसने एक पिंक ड्रेस पहन रखी है और बूढ़ी औरतों के पास बैठकर वो कांच के टुकड़े को जोड़ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके जो हाथ हैं बिल्कुल मैकेनिकली मूव कर रहे हैं, जैसे कि कोई मशीन चल रही हो, इस तरीके से चलते हैं। और मैं सोचती हूँ कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है और जिसे वो बनाने में मदद कर रही है।
वे भारतीय स्त्रियों के सुहाग के प्रतीक हैं। और एक दिन अचानक उसे ये बात समझ आ जाएगी, जिस दिन उसे लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएगी, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी और उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत इस तरह से जो बहुत पहले ही दुल्हन बन गई थी, और जब वह दुल्हन बन जाएगी तब उसे समझ आएगी, सी विल बिकम अ ब्राइड लाइक अ ओल्ड वूमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, सी स्टील बैंगल्स ऑन द रेस्ट बट नो लाइट ऑन हर आईज। और मैं आपको बताऊं कि जब उसी की बगल वाली एक बूढ़ी औरत जो इस तरह से बहुत पहले एक दुल्हन बन गई थी, आज भी वो उसकी कलाइयों में वो चूड़ियां हैं, सी स्टिल हैज बैंगल्स रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, सी से उसने कहा, वैसी आवाज में कहती है कि वो एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया जिसका आनंद समाप्त हो गया है, एंड इट्स वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय सी नॉट इंजॉइंग फुल ऑफ मील्स इंटायर लाइफ, दैट्स सी रीप्ड हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग आई एक्सपेक्ट बंगल ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर हैमली इन टू लिव इन। और वो कह रही है कि एक वक्त का खाना, जो कि एक वक्त का खाना भी एक सेर खाना भी नहीं खाया है, वो ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद जो है वो समाप्त हो चुका है, उसने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है, यही मिला है उसे। लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा उसका पति कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, और मैं परिवार को रहने के लिए सिर्फ एक ये मकान बना पाया हूँ। और हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसकी बातें सुनकर कोई भी सोचता होगा कि क्या वह उसने हासिल कर लिया जो बहुत से लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया। ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी फेल्ड इन अ लाइफ टाइम, उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत से लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। उसके सिर पर छत तो है, ही हैज रूफ ओवर द हेड, उसके सिर पर छत तो है। अब यहां पे देखिए, रिस्ट का मतलब होता है कलाइयां, रीप्ड का मतलब होता है टुगेदर हार्वेस्ट काटना, और हियरिंग का मतलब होता है सुनना, साउंड ऑफ परसीव्ड जिसको कहते हैं वो हियरिंग कहलाता है। तो वहां पे फिर वो बात कर रही है कि वो उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी है, जो काफी समय पहले वो दुल्हन बन चुकी है, उसके हाथों में बैंगल्स हैं बट उसकी आंखों में वो लाइट वो चमक नहीं है, और वो कहती है कि एक वक्त का एक सिर का खाना भी नहीं खाया। उसकी आवाज में वो ड्रेनेज खत्म हो चुकी है, वो एंजॉय नहीं कर पा रही है पूरी फुल मील पूरे इंटायर ऑफ लाइफ में, उसने जैसा किया हस्बैंड उसने बस वही मिला, एक बूढ़ा जो हस्बैंड है और फ्लॉट बियर्ड जिसकी लंबी दाढ़ी है। कह रही है कि वो कहता है उसका बूढ़ा हस्बैंड कि वो इस बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं जानता, और उसने केवल ये घर बनाया है अपनी फैमिली के जिसमें वो रह रहे हैं। उसको सुनकर, उसकी बातें सुनकर कोई भी सोचता होगा क्या उसने हासिल कर लिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरिंग द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स ऑफ एवरी होम। और उसके सिर पर एक छत तो है, चूड़िया बनाने के काम जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए न पैसा होने, खाने के लिए पर्याप्त न होने से दुख की कराहट हर घर में घुसती है। द यंग मैन इको लैमेंट द एयर एल्डर्स, और चूड़िया बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने के कारण, खाने के लिए पर्याप्त न होने के दुख की कराहट हर घर में घुसती है। युवा लोग बुजुर्गों के दर्दों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्ड इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव द एबिलिटी टू ड्रीम। और ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला, चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया गया है।
व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव। मैंने नौजवान समूहों को बिचौलियों के चक्कर में फंसे हैं, व्हाई यू आर नॉट ऑर्गेनाइज, और आप लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते, और आप लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते। एंड आई आस्क्ड ग्रुप यंग मैन, मैंने उन नौजवान से उनसे पूछा, आई फेलन इनटू द विक्टिम सर्कल, मिडिल मैन ट्रैप्ड इन द फादर्स एंड फोर फादर्स। वो बिचौलिए के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनके बाप दादाओं को जाल में फंसाते रहे हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी वंस हु किल्ड हाउल्ड अप बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड इनटू द जेल डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। और आप लोग अपने सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि यदि हम संगठित हो जाएंगे तो पुलिस हमारी खिंचाई करेगी, हमें पीटेगी और अवैधानिक काम के कारण हमें खींच कर जेल में डाल देगी। उनमें कोई नेता नहीं है, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन कुड हेल्प सीइंग ऑफ डिफरेंटली, कोई भी अलग तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अलग तरीके से चीज़ों को देखने में उनकी सहायता करे। देखिए, ईगो का मतलब होता है साउंड अगेन एंड अगेन, एबिलिटी का मतलब होता है आपकी क्षमता, वीकनेस का मतलब होता है अनप्लीजेंट। सर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि द क्राई और नॉट हैविंग मनी एनीथिंग, बिजनेस इज मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन ईट एवरीथिंग टाइम। इस बिजनेस को करने के बाद उन्होंने वो पैसा नहीं बना पाया है क्योंकि इनको हर समय उसी में लगे रहते हैं, और जो एल्डर्स होते हैं, जो अब जो युवा आ रहे हैं वो भी अपने एल्डर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस छोटे से समय में फिरोजाबाद में आप कह सकते हो कि टॉयल हैव किल्ड इनिशिएटिव एबिलिटी टू ड्रीम, लोगों को जो सपने देखने की आदत है उसको मार दिया गया है। क्यों ऑर्गेनाइज होते हैं नहीं होते हैं, ऐसा पूछने पे वे कहते हैं कि सब लोग जो मिडिल मैन है ना, जो बिचौलिया उनके जाल में फंसे हुए हैं, इवन कि उनके उनके फादर को भी उसी तरीके से बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए हैं जो उनके बाप दादाओं को जाल में फंसाते रहे हैं। से कहा कि क्यों नहीं कर लेते, वो कहते हैं कि यदि हम संगठित हो जाएंगे तो पुलिस हमारी खिंचाई करेगी, हमें पीटेगी और अवैधानिक कारणों के नाम पर हमें जेल में डाल देगी, हमारा कोई लीडर नहीं, देयर वर नो लीडर अमंग देम, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अलग तरह से चीज़ों को देखने में उनकी सहायता करे। देयर फादर एज ट्राइड एज देवर, उनके पिता ने उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं, दे आर टायर्ड, ट्राइड नहीं है, टायर्ड एज दे आर। दे टॉक एंडलेसली, स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी, ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे कुंडली की बातें करते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, वो कुंडली गरीबी से रुचि के अभाव, लालच और अन्याय की आड़ है। लिसनिंग ऑफ देम, उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई दिए, डिस्टिंक्ट टू वर्ल्ड्स। वन द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, बर्डन बाय स्टिग्मा द कास्ट इन विच दे बॉर्न, एंड द अदर विक्टियस सर्कल्स, साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन एंड कीपर्स, लॉ ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। उनकी बातें सुनकर दो अलग अलग संसार दिखाई देती हैं, एक तो ऐसे परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा है, अपनी जन्मजाति कलंक से दबा हुआ है, दूसरा जो साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले, कानून को लागू करने वाले नौकर साह, राजनेता का कुचक्र है, और दोनों ने मिलकर एक ऐसे बच्चे के ऊपर बोझ डाल दिया है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही अवेयर ही एक्सपेक्ट नेचुरली एज हिज फादर। और इन सब ने मिलकर ऐसा बोझ डाल दिया है जिसे उतार नहीं सकता, एहसास होने से पहले वह इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। टू डू एनी थिंग वुड मैन द डेयर, राइट, कुछ हटकर करने का मतलब होगा कि उन्हें चुनौती देना। और एंडलेसली का मतलब होता है बिल्कुल स्वाभाविक कह सकते हो, और मतलब मेड कंटिन्यूअस। और बैगेज के लिसनिंग का मतलब होता है पे अटेंशन, और बैगेज बैगेज का मतलब होता है एक ट्रंक, सूटकेस, जैसे कि उन पे बोझ, इसको आप समझ सकते हो। तो उनके पिता भी थक चुके हैं, थके हुए हैं, दे टॉक, वो भी एंडलेसली टॉक कर रहे हैं, स्पाइरल दैट मूव पॉवर्टी अपाती, वो कुंडलियों डिस्पास कर रहे हैं, और कुछ हट कर आप कह सकते हो कि ऐसा परिवार
जो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पे, दो वर्ल्ड दिखाई देती हैं मुझे। एक वो फैमिली जो इन पॉवर्टी, ब्यूरोक्रेट्स, स्टिग्मा, कास्ट में फंसे हुए हैं यहाँ की जो, और एक दूसरा जिसमें साहूकारों का, मिडिल मैन का, पुलिस का, जो लॉ बनाने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस, इन सब का एक चक्र है इसमें फंसे हुए। और इन दोनों ने मिलकर उस बच्ची के ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया है जिससे कभी वो डाउन नहीं हो सकते। ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट नेचुरली इज अ फादर, वो हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे नेचुरली अपने पिता की तरह। और कुछ अलग करने का मतलब होगा और जिसे उतार नहीं सकता, एहसास होने से पहले वो इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है क्योंकि इसे पिता जैसे जितने स्वाभाविक रूप से इनके पिता ने किया था। कुछ हटकर करने का अर्थ अलग होगा, चुनौती देना, और चुनौती डेयरिंग इनके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है। वेन इज आई सेंस फ्लैश द मुकेश आई एम चीयर्ड, और चुनौती देना इनकी परवरिश का अंग नहीं है। जब मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती तो मैं खुश होती हूँ कि अब वह मोटर सुधारने वाला एक मैकेनिक बनना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। आई विल गो टू गैरेज एंड लर्न, मैं गैरेज जाऊँगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम द होम, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है। वो कहता है आई विल वॉक पैदल, वो पैदल जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हैं? जब मैं वो जोर देकर कहता है क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो, एकाएक चुप हो जाता है। ही सडनली साइलेंट, नो ही सेज स्टेयरिंग एट ग्राउंड, ने स्मॉल मर्मर, देन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट ईयर टू रिग्रेट। और वो चुप हो जाता है, कहता नहीं, वो जमीन की ओर घूरता है और कहता है एक छोटी सी बुदबुदाहट, एक शर्मिंदगी का भाव जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है, उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट हैं, अपने कस्बे गलियों में तेजी से दौड़ते हुए दिखता है। मुश्किल से ही कभी कोई जो वायान है, ही कंटेंट टू ड्रीम्स अ कार्स हसलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑन टाउन, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद। मुश्किल से ही कभी कोई जो एरोप्लेन से जो फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते होंगे, मुश्किल से ही कोई ऐसे होंगे जो फिरोजाबाद की उसमें उड़ते होंगे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दो, एक चीयर्ड का मतलब होता है साउट, इनकरेजमेंट, हर्डलिंग का मतलब होता है रश वॉयलेंटली। अगर हम देखें तो जो चुनौती देना उनके लाइफ, उनके ग्रोइंग का वो पार्ट ही नहीं रहा है। व्हेन आई सेंस ऑफ फ्लैश, जब मैंने मुकेश को देखा, वो चीयर्ड, वो कह रहा है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहती हूँ, उसने रिपीट बनना चाहता हूँ, उसने रिपीट किया, कह रहा मैं गैराज में जाऊंगा, सीखूंगा, लेकिन उसके घर से गैराज बहुत दूर है। उसने किया कि मैं पैदल जाऊंगा। और जब मैंने पूछा कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो, साइलेंट हो जाता है। तो नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे रहना, और इस छोटे से शहर में जो उसको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होती है, वो टर्न इन टू रिग्रेट, वो रिग्रेट में आता है। ही कंटेंट टू ड्रीम्स अ कार्स, वो केवल बोलता है कि मुझे केवल और केवल कार के, जो उनकी कार के सपने को देखते संतुष्ट हैं, जिन्हें वो अपने कस्बे गलियों में तेजी से उड़ते हुए देखता है। मुश्किल से ही कोई एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, ये तो था कंप्लीट ट्रांसलेशन। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे जो कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट साहिब लुकिंग फॉर गार्बेज ड्रम्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। सो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन अ गार्बेज ड्रम एंड नेबरहुड ऑफ हिज ऑथर। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, ही केम विथ हिज मदर 1971 एंड हाउस एट सेट एडमिस्ट ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, स्ट्रॉन्ग स्टेप अवे फ्रॉम द फील्ड्स होम्स एंड सो दे लेफ्ट द कंट्री। वॉट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर चिल्ड्रंस नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स। उसने ऑफर किया कि ट्रेडिशन बेयर फुट का, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, ही वॉन्डर्स ओनली एक्सक्यूजेज द एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ही ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ पुअर बॉडी हु प्रेयर द गॉडेस इन द पेयर ऑफ जू शूज। इज साहब हैप्पी टू वर्क इन दिस स्टफ? नो, वो खुश नहीं था क्योंकि वो अपना मालिक नहीं था ना। ही फेस द केयर फ्री लुक, स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन प्लास्टिक बैग्स, ही वुड कैरी शो लाइटली एंड ओवर द शोल्डर। अ बैग वॉज हिज, अ कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। वॉट मेक सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, बेंगल्स के लिए फेमस है। और यहाँ पर फिरोजाबाद की जो फैमिली है वो इंगेज है हमेशा बेंगल्स को बनाने में,
और इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहा जाता है इसे फिरोजाबाद में, और यहाँ की जो जनरेशन है वो केवल इसी में लगी होती है और इनको अलावा इनके अलावा कुछ नहीं आता है। मेंशन द हैजार्ड ऑफ वॉकिंग ग्लास रिंग, बहुत हैजार्ड है क्योंकि यहाँ पे अंधेरे में रह करके उसकी चमक के साथ काम करना, आई साइट चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं एडजस्ट हो जाती हैं उनकी आंखें उसी केस, और आई साइट को लूज करते हैं एडल्ट होने से पहले। डस्ट पॉलिशिंग बैंगल्स ये आंखों के लिए खतरनाक है, बहुत सारे वर्कर अंधे हो चुके हैं। फर्नेस हैव बीन हाई टेम्परेचर एंड वेरी डेंजरस, बहुत हाई टेम्परेचर का है जो डस्ट है ना कांच बनाने में जो बैंगल्स बनते हैं बहुत खतरनाक है। सो आई होप कि क्वेश्चन आंसर भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।